हे गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। एंड आज की वीडियो में सीजन 13 से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। कुछ चीज़ें जो निकल के आई हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में बता देने वाला हूं। सो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आएगी। सो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ये वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये वीडियो देखने को मिल जाए। बट अगर तुम्हें अगर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के मोंटाजेस पसंद हैं तो मैं उनके मोंटाजेस बनाता हूँ एंड तुम्हें उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड पसंद आए तो अपना फीडबैक दो, बताओ अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है, प्लीज़ कमेंट करो बताओ एंड उनको देखो, क्योंकि मैं उन पर और आगे वर्क करना चाहता हूँ। सो पहली चीज़ यहाँ पे बात करने वाले, देखो स्किन तो इतनी ज़्यादा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में आ चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि यार अब और स्किन की ज़रूरत है। हमें चाहिए एक ऑप्टिमाइज्ड गेम जिसमें बहुत अच्छा ऑप्टिमाइजेशन, स्मूदनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड ये ग्लिचेस बग्स कम होने चाहिए। मतलब इनसे तो दिमाग ही ख़राब हो गया। और इतनी स्किन का मैं करूँगा क्या? मैं भी तुम लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या तुम लोग इतनी सारी जो स्किन होती है क्या सभी को यूज करते हो? यार सब वो बेकार पड़ी रहती हैं, कोई उनको यूज़ नहीं करता। उनमें से एक दो जो अच्छी होती है उनको कोई यूज करता है, नहीं तो कोई बहुत कम लोग हैं जो चेंज भी करते हैं स्किन्स को। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को अब स्किन नहीं, स्किन के अलावा अब उनको बग ग्लिचेस गेम को स्मूथ बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले बहुत से लोग तो फेनिक्स से परेशान हो गए कि फेनिक्स प्लस एकेमिबो भाई क्या ओपी चीज़ हो गई है एंड ये सच में दिमाग ख़राब कर देती है। तो फेनिक्स को नर्फ करने की बात की गई है, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने बोला है कि यार ये अभी नई नई आई है और थोड़े दिन तो इसे चलने दो। वैसे मैं देख रहा हूँ बहुत से कम ही लोग, अगर रैंक्ड में खेलता हूँ तो उसमें तो बहुत से कम ही लोग आते हैं, एक दो कभी कभी आते हैं, ज़्यादा लोग नहीं आते क्योंकि वो क्लोज रेंज सिर्फ गॉड है, क्लोज रेंज गॉड गन। तो उसको नर्फ करने की बात कर रहे हैं एंड कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने कहा यार अभी जल्दी जल्दी आई है, थोड़ा सा टाइम दो, अब इसको नर्फ भी किया जाएगा। सो ठीक है यार, क्योंकि क्लोज रेंज में ही वो गन अच्छी है, बट अगर थोड़ा सा नर्फ कर दे तो अच्छी बात रहेगी क्योंकि भाई बहुत बुरी तरह पीटती है। एंड नेक्स्ट थिंग यहाँ पे डायमंड कैमो की बात करें, भाई मैंने तो गोल्ड कैमो जो मेरी फेवरेट वेपन्स थे लाइक स्नाइपर्स एसॉल्ट राइफल जो मेरे फेवरेट थे मैंने गोल्ड कैमो अनलॉक कर लिया है। प्लेटिनम कैमो तो बहुत सारा मेहनत पड़ेगा, मैंने नहीं किया, बट डायमंड कैमो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग वर्किंग कर रहे हैं उसके ऊपर, उसको बना रहे हैं हर गन के लिए। सो देखते हैं कब तक आती है एंड अगर वो मुझे पसंद आए तो मैं सारी गन्स के डायमंड कैमो अनलॉक करने की कोशिश करूंगा। एंड लेट मी नो कमेंट सेक्शन तुम लोग क्या करोगे या नहीं करोगे, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड पब्लिक टेस्ट बिल्ड, देखो पब्लिक टेस्ट बिल्ड के बारे में तो बहुत सारी न्यूज़ें आती है कि हम लोग दे सकते हैं, संभावनाएं हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि कई पिछले 4 महीने से टेस्ट वर्जन नहीं आया एंड हो सकता है इस बार आए। तो टेस्ट वर्जन में तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे निकल के आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो अगर तुम्हें टेस्ट वर्जन चाहिए तो लिंक मिल जाएगी तुम लोगों को, मेरे से जुड़े रहो बस। एंड वॉइस फॉर वेरियस कैरेक्टर, यहाँ पे तुम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कैरेक्टरों की अपनी वॉइस नहीं है एंड क्योंकि यहाँ पे कोई क्लॉथ चलते नहीं है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ, ये कपड़ा मिल गया वो, यहाँ पे सीधा का सीधा पूरा करेक्टर मिलता है। तो अगर सबकी वॉइस डिफरेंट हो तो ज़्यादा में ही मज़ा आ जाए। तो कॉल ऑफ ड्यूटी वाले बोल रहे हैं कि हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, तुम लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा। एंड जॉम्बीज़ मोड के बारे में, यार जॉम्बीज़ मोड के बारे में कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने तो सीधे से ना ही कह दिया यार, अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं है, लेट्स यार कब आता है। लेकिन जॉम्बी मोड मुझे बहुत पसंद था एंड बहुत से लोग बोलते हैं कि उसको ज़्यादा कोई खेलता नहीं, लेकिन मैंने बहुत खेला था, बहुत लिटरली बहुत खेला था, मुझे बहुत मज़ा आता था क्योंकि उसमें कितने ज़्यादा राउंड तुम सर्वाइव कर सकते हो ये मैटर करता था। एंड यार भाई वो रेगन, जो रेगन अगर तुम लोग स्टार्टिंग से खेल रहे हो वो रेगन तुम्हें याद होगी कितनी ओपी गन थी, BK-57 और जो हम लोग डेड शॉट कोई पक था उसको पी लेते थे तो सिर्फ हेड शॉट लगते थे, भाई बहुत ही ओपी चीज़ थी। एंड यहाँ पे मोर हड लेआउट, एंड इसके ऊपर भी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल बोल रहे हैं कि हम इसको रिक्वेस्ट बहुत सारे टाइम से देख रहे हैं, बहुत से लोग बोल रहे हैं लेकिन अभी तक आया नहीं है और ये लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, देखते हैं कि आगे फ्यूचर में आ सकता है। एंड सीजन 13 इन्फॉर्मेशन, मतलब देखो सीजन 13 में ही ये सब होगा, लेकिन जो उनके लीक्स हैं इसके ऊपर हैं बहुत ज़्यादा अर्ली है यार, अभी तो थोड़ा वेट करो, सब्र करो, ऐसा इतने जल्दी सबको नहीं हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक UAV की नई स्किन आने वाली है एंड आई डोंट नो यार UAV की नई स्किन से क्या होगा, क्योंकि यार अगर हम लोग UAV आसमान में चलेगी क्या उतनी ऊंचाई से हम लोग स्किन देख पाएंगे, लेट्स सी गेम में आती है नहीं आती, क्योंकि भाई वीडियो पोस्ट हो गई, लेट्स सी इसी सीजन अभी देखो कब आती है, मज़े आ जाएंगे उसको भी यूज़ करके, लेट्स सी मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ पे चाइनीज़ वर्जन कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, यहाँ पे
एक ट्विटर हैंडल ने पोस्ट किया एंड वो उसने बताया कि यार कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जो चाइनीज़ वर्जन है वो रियल लाइफ ट्रेलर पे वर्क कर रही है। मीन्स अभी तक तो ग्राफिक्स एडिटेड VFX लगा के सब कुछ अच्छे से एक ट्रेलर बनता था, बट यहाँ पे रियल लाइफ बना रहे हैं, जो कैरेक्टर होंगे रियल में तैयार होंगे, उनकी पूरी शूटिंग होगी एंड वैसा सब कुछ होगा। तो यार मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि यार ऐसा ट्रेलर आएगा हमें भी देखने को मिलेगा या नहीं। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो जो सीजन 12 की बहुत सारी चीज़ें आनी थी वो ही अभी तक नहीं आई हैं यार। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो रोड मैप्स थे उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आनी थी लेकिन वो आई नहीं है। अभी तो वही आनी, हम लोग सीजन 13 के बारे में बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बात करें कि सीजन 12 में अभी क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं, तो यहाँ पे अभी तो लेट नवंबर में आना है अटैक ऑफ अंडेड नाइट मोड में, अटैक ऑफ अंडेड अभी उसके लिए तो हमें वेट करना है। न्यू पिस्टल .50GS जो न्यू पिस्टल हम लोगों ने बताई थी वो आनी है लेट नवंबर में, ये दो चीज़ें लेट नवंबर में आने वाली हैं। एंड अर्ली दिसंबर में न्यू बैटल रॉयल क्लास रिफ्टर आ रही है एंड इसको भी तो अभी यूज़ करना है यार, अभी तो सारी चीज़ें अभी सीजन 12 की नहीं आई हैं। एंड 79U की एक स्किन आ रही है स्टारफिंग, एंड देखते हैं ये क्या बात है, ये भी अर्ली दिसंबर लिखा है। न्यू पक आ रहा है लॉन्चर प्लस एंड अर्ली दिसंबर में ये भी आ रहा है एंड अर्ली दिसंबर ही बचा हुआ है। सो देखते हैं यार कि ये कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती, कैसा ये एक्सपीरियंस होता है। सीजन 13 के बारे में कोई लीक्स नहीं, लेकिन यहाँ पे गेम ऑप्टिमाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देने की बात हो रही है, तो अगर ये लोग गेम ऑप्टिमाइज़ करें, मैं चाहता हूँ कि सीजन 13 में ये लोग कुछ भी ना दें, कोई स्किन ना दें, बट गेम को ऑप्टिमाइज़ कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। एंड लो एंड डिवाइस वाले तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि जिसकी अच्छी डिवाइस है वो उसको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, बट लो एंड डिवाइस वाले को हिट मार्कर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। लाइक अगर मैं लोकस यूज करता हूँ लो एंड डिवाइस में, भाई बहुत बहुत हिट मार्कर्स आते हैं। वहीं पर मैं अपनी K20 Pro में यूज़ करता हूँ तो मुझे उतने हिट मार्कर्स देखने को नहीं मिलते। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तुम्हारे क्या ओपिनियन है इन सब चीज़ों के बारे में। एंड आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। एंड प्लीज़ गाइस मोंटाजेस जरूर से देखो यार, उनमें मेहनत लगती है एंड मैं चाहता हूँ कि यार क्वालिटी कंटेंट तुम लोगों को प्रोवाइड किया जा सके, अच्छे से अच्छे गेम प्ले मोंटाजेस, अगर इन चीज़ों पर भी सपोर्ट करोगे ना यार तो अभी तो मज़े आएंगे। सो प्लीज़ उनको जाके देखना एंड अपना फीडबैक, जो भी तुम्हारा ओपिनियन या कुछ भी तुम सजेस्ट करना चाहते हो तो यार जरूर से बताओ, मैं जरूर से इम्प्रूव करूंगा। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, पीस आउट।